हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आए हो? बढ़िया होंगे, सभी को राम राम। तो हम सुबह सुबह निकल चुके हैं एक काम पे, तो देख पा रही हो कि चारों ओर कोहरा ही कोहरा। यहाँ पर तो ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा देर जाने के टाइम निकल जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। मैं जा रहा हूँ थोड़ा जंगल साइड, देखने को मिलेगा आपको। तो चलिए, इतना सुबह कौन निकलता है भाई? हम तो निकल चुके हैं ठंड में, इतना इतना ठंड में। भाई निकल लो, मत निकलो भाई, ठंड लग गया मेरा। देख ही पा रहे हो, अभी भी दुकान ठीक से नहीं खुला है। यहाँ पर पूरा रोड पूरा झकास है भाई, पूरा एकदम झकास। मेरा हिंदी थोड़ा बिगड़ा हुआ है ना, इसलिए थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा, मैनेज कर लेना। तो ज़्यादा स्पीड में नहीं जाएंगे आज, ऊपर से इतना ठंडा और ठंड भी लग गया मेरा, और थोड़ा स्पीड में जाएंगे तो और भी लग जाएगा, तो मर जाएंगे भाई। ये लॉरी भी साइड भी नहीं दे रहा भाई, और कैसे भी देगा भाई, गाड़ी चला रहा है। यहाँ पर भाई पुलिस रहता है भाई, बहुत तगड़ा, पकड़ लेगा तो बस हो जाएगा। मेरे पास, मैं तो लाइसेंस नहीं लेके आया हूँ इधर। मम्मी सुबह सुबह उठा के बोला काम पे जाओ, इतना सुबह कोई काम पे जाता है क्या? और 22 तारीख को तो सभी मालूम है क्या है, अयोध्या राम मंदिर ओपनिंग है, तो ये तो बहुत खुशी का दिन है हिंदू लोगों का, सभी का। मतलब काल खुशी का दिन है भाई सबका, तो भाई एंजॉय करो सब। दिवाली बना भाई, फटाका थोड़ा देख के फटाना, रोकूंगा नहीं। मतलब अब बोलने से भी कोई फायदा नहीं, अब तो फटाओगे, लेकिन देख के भाई खुशी का दिन है भाई, खुशी से जाए सभी का। और एक बात था मेरा को, वो जो बाइक का जो सेल्फ का जो वायर रहता है ना, वो तो थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा था। मैं पिछली वीडियो में बोला था, तो प्रॉब्लम हो रहा था कि वो जैम हो जा रहा है भाई। वो तो शोरूम वाला के पास गया था मेरा भैया, तो शोरूम वाला बोल रहा है अभी टाइम नहीं है, ठीक है, तो यही बोल रहा है। और एक बार देखा, वो भी ये भी बोल रहा है पिस्टन जाम हो सकता है, ये वगैरह वगैरह बहुत कुछ भाई बक दिया भाई। तो इतना कुछ तो नहीं हुआ मेरे भाई को, पिस्टन जाम होगा तो भाई हर टाइम जाम रहेगा, लेकिन हैंडल जब घुमा रहता है तभी वो जाम हो रहा है, जब सीधा रहे तब ठीक है। मैं थोड़ा सोचा क्या हो सकता है इधर, तो मैंने वॉश भी किया था एक बार खुल के, सच में खुल के वॉश किया था WD-40 मार के। मैं बोला भी था वो क्लीन हो रहा था तो ठीक था, तो मेरा को हो रहा है प्रॉब्लम हो रहा है, एडजस्टमेंट ठीक नहीं था नट बोल्ट का, तो एडजस्टमेंट मैं ठीक कर दिया, वो ठीक हो गया। तो कितना कुछ बोल रहा है भाई, छोटा छोटा चीज़ नहीं जानोगे तो भाई कुछ नहीं होगा भाई। बाइक आप गाड़ी खरीदो, बाइक खरीदो भाई, छोटा छोटा चीज़ जानना ही पड़ता है, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाता है। ये मैं देखा खुला, जान पाया ठीक है, लेकिन ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, जो जानते हो भाई वही करो, जो नहीं जानो भाई वो मत करो। तो मैं जानता था इसलिए मैं कर दिया, वो तो सही हो गया, मेरा 1000 रुपये बच गया भाई अभी, तो नहीं तो नुकसान हो जाता भाई। अच्छा, वायर को मैं चेंज कर देता था, पिछली बार हुआ था बैटरी बैटरी तो ठीक ही था,
लेकिन मैं नया बैटरी लेकर आ गया। ठीक है, वो तो ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा ही हुआ, बैटरी तो चेंज करना ही था, थोड़ा पहले ही कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। और मैं आ ही चुका हूँ इधर काम पे। भाई चारों साइड दिख रहा है भाई, मौसम इतना बेकार, भाई ठंड जो लग रहा है ना भाई, क्या बताए आपको, इतना ठंड में मर जाऊंगा भाई। आप लोगों को मैं बताता हूँ, आप लोगों का बाइक रहता है ना, वो क्लच का जो तार है भाई, आप लोगों का जो सेल्फ कवर रहता है, वो आप लोग WD-40 मार के क्लीन कर सकते हैं, वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद 11 डाल देना पड़ेगा, तो पूरा क्लीन हो जाएगा, नया की तरह चकचक हो जाएगा।